हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। आपने आलू के फ्रेंच फ्राइज तो बहुत बार खाए होंगे, पर क्या कभी आपने बैंगन के फ्रेंच फ्राइज खाए हैं? अगर नहीं खाए तो आज ये रेसिपी देखने के बाद ज़रूर घर पे बनाइए और फिर खा के बताइए किसी आलू के फ्रेंच फ्राइज से कम लगते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं आलू से भी ज़्यादा टेस्टी बैंगन के फ्रेंच फ्राइज, और रेसिपी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का बैंगन ले लिया है, ये मैंने ब्राउन वाला लिया है। आप जो भी मार्केट में या आपके घर पे अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अब इसके ऊपर का जो डंठल होता है उसको अच्छे से हम कट करके निकाल देंगे। फिर इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ब्राउन कलर का, इसको छील के बाहर निकाल देंगे। फिर क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी काला पड़ जाता है तो इसको पानी से अच्छे से धुल लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने, नहीं तो ये बिल्कुल काला हो जाता है। या तो चाहें तो आप पानी में ही धुल के इसको डालते रहें। फिर इस तरीके से गोल गोल जैसे चिप्स बनाते हैं उस तरीके से इसको मोटा मोटा थोड़ा सा कट कर लेंगे, जैसे आप नॉर्मल आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाने में कट करते हैं उस तरीके से सेम प्रोसेस करना है। बट आलू की जगह यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बैंगन का। और जो बच्चे या बड़े ही बैंगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जैसे मेरे हस्बैंड जब भी बैंगन में बनाती हूँ ना तो मुँह ही बनाते हैं, तो वो भी ये खा के बता ही नहीं पाए कि मैंने इसको बैंगन से बनाया है। तो इस तरीके से गोल गोल काट के पानी में डाल देंगे, फिर इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ के जैसे शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना कैसे, एकदम वैसे ही हम कट कर लेंगे। ये देखिए है ना फ्रेंच फ्राइज़ के जैसे, बिल्कुल जैसे मार्केट में आती है। अब इसको हम पानी में डाल के रखेंगे ताकि ये काला नहीं पड़े, और इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्रेंच फ्राइज शेप में बैंगन को कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मोटा और अच्छा रख रही हूँ ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो अभी यहाँ पे सारे फ्रेंच फ्राइज हमारे कट चुके हैं, एक्चुअली बैंगन कट चुके हैं फ्रेंच फ्राइज की शेप में। तो इसको पानी से अच्छी तरह दो तीन पानी से धुल लेंगे, जो कड़वापन थोड़ा सा रहता है ना तो वो बिल्कुल से निकल जाएगा और फिर बिल्कुल भी बैंगन की स्मेल नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक कप चावल का आटा और एक कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और यहाँ पे आधा नींबू जो कि बड़े साइज़ का है, काफ़ी जूसी था, मतलब दो चम्मच के करीब मैंने नींबू का जूस यूज़ किया है। आप नींबू का जूस डाल के देखिए, बाद में आपको पता चलेगा कि फ्रेंच फ्राइज कितने टेस्टी बने। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के एक अच्छा सा लिक्विड बना लेंगे, जैसा कि हम पकौड़े के लिए या जो भी ऐसे बनाना रहता है उस तरह बनाते हैं। इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे क्योंकि हमने पहले से ही बैंगन में पानी में डाल के रखे थे, और बैंगन थोड़ा नमक के साथ मिलने के बाद पानी छोड़ता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को, बस थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि जब हम इसमें बैंगन मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा और भी पतला हो जाएगा। अभी बैटर बन चुका है तो पानी से निकाल के बैंगन को अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे और फिर इस बैटर में डाल देंगे सारे बैंगन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे बैंगन को इस बैटर के अंदर डाल दिया है, और फिर इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से मिक्स करेंगे तो बैंगन बहुत सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर रहता है, तो इस वजह से आप इसको चम्मच से ही मिक्स करें ताकि ये टूटे नहीं। यहाँ पे एक चम्मच हम हींग डाल देंगे, एक्चुअली पहले मैं भूल गई थी, और एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैं पहले भूल गई थी, और क्योंकि बैंगन बहुत बादी करता है, बहुत लोगों को नुकसान भी कर जाता है, तो ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट भी बढ़ जाता है प्लस हमको डाइजेशन में इससे आराम मिलता है, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती। तो ये तो अभी डन हो गया। अब तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, जब तेल में थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगे तभी ये डालें तो बहुत अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे बिल्कुल बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे फ्राइज को इसमें डाल देंगे जो कि हमने बैंगन से बनाई है, बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं, एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि एक एक करके डालने में ये अच्छे से पकेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अगर चिपके रहेंगे तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैं डालती जा रही हूँ पीछे से, और आगे से ये कलर चेंज करते जा रहे हैं, मतलब गोल्डन कलर होता जा रहा है, मतलब ये थोड़े थोड़े पकते जा रहे हैं। अब इनको धीरे धीरे इस तरीके से चला देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बार बार इसको नहीं चलाना है, नहीं तो ये सॉफ्ट फिर बनेंगे। थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार। अभी इनको देखे, बस देखते ही मुँह में पानी आने लगे। और देखिए ये कहीं से कोई नहीं बोल पाएगा कि इसको अपने बैंगन से बनाया है, ऐसे लग रहा है जैसे आलू के करारे करारे फ्रेंच फ्राइज हैं। बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चे बिना जान पाए ही इनको चट कर जाएंगे। तो इस तरीके से इसको छन्नी में तेल जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, और बाकी के भी फ्राइज इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तेज आँच में फ्राई करने से कोई भी चीज़ आप बनाओ तो वो कुरकुरी बनती है, इस बात का ध्यान रखिए, ये आज का टिप्स है। तो चलिए इनको डाल दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखिए कितनी आवाज़ें आ रही है, कितना कुरकुरे, देखिए प्लेट में एकदम खनन खनन आवाज़ आ रही है, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो ये आप फ्रेंच फ्राइज़ घर पे बनाइए, वो भी बैंगन से, ना कि आलू से, और ये आलू से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरी ये आज की बैंगन की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी नई लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।